जी हाँ दोस्तों, पानी पीने का सही तरीका जान लोगे तो नहीं पड़ेंगे बीमार। चलिए देखते हैं। गलत तरीके से पानी पीने से बीमारियों का खतरा बढ़ता है। जी हाँ, गलत तरीके से पानी हमें नहीं पीना चाहिए। गलत समय, गलत तरीके और गलत मात्रा में पानी पीने से पेट में दर्द हो सकता है। जी हाँ, दर्द हो सकता है पेट में, बहुत ही ज़्यादा पेन। पाचन में दिक्कत हो सकती है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, भारीपन, किडनी प्रॉब्लम और सुस्ती जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। हर किसी के शरीर के हिसाब से पानी की ज़रूरत सबकी अलग अलग हो सकती है। सो दोस्तों, देखा आपने कि पानी के कारण हमको कितनी सारी परेशानियां हो सकती हैं अगर हम सही ढंग से पानी पिएंगे तो। पानी पीने का सही समय कौन सा है? जी हाँ, ये जानते हैं। पानी पीने का सही समय, खाना खाने से करीब 30 मिनट पहले पानी पीना चाहिए। सुबह उठने के बाद 2 गिलास पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक सुबह खाली पेट पानी पीना काफ़ी फायदेमंद होता है। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल भी खड़े होकर पानी मत पीजिए, इससे हमारे घुटनों में पेन हो सकती है। तो खड़े होकर पानी बिल्कुल मत पिए, गट गट करके और सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्लोली हमें पानी पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कैसा पानी पिए? पानी आप पी रहे हैं उसका तापमान शरीर के तापमान से ठंडा नहीं होना चाहिए। गर्मियों में बहुत से लोग घर पहुंचते ही फ्रिज का पानी पीते हैं, जो कि हमें हमारे शरीर को नुकसान, बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। बर्फ़ वाला पानी पीने की बजाय नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिए। सो इसको पीने से हमें, हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो ठंडा पानी ना पिए। पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी ज़रूर पिए। 75% पानी से बना हुआ हमारा ये शरीर है। ठीक है, इसको हमको तंदुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है, और इसीलिए हमको 8-10 गिलास पानी के रोज़ाना डेली पीने ही पीने चाहिए। ठीक है, सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना।